गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दुर्ग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंडित रविशंकर स्टेडियम में आम सभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा भाजपा के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। इसके माध्यम से भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया और अब भाजपा का प्रयास दुर्ग जिले में परचम लहराना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पर भी तीखे प्रहार किए और उनके नेतृत्वकर्ता को लेकर जुबानी बाण चलाए। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी लोगों से भाजपा के प्रति समर्पित होने का संकल्प दिलाया। छत्तीसगढ़ वालों, आपके सम्मान में और देश की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में लगते हैं। मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के सामने बढ़ाया है। मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस का शासन था, वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। आज मोदी जी के शासन में हमने वामपंथी उग्रवाद पर एक बस्तर का थोड़ा क्षेत्र छोड़कर कुल मिलाकर कंट्रोल लेने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, पिछड़ा वर्ग को अपना आयोग देकर संवैधानिक मान्यता दी और दूसरी ओर एक सरकार बची है कांग्रेस की यहां छत्तीसगढ़ की। क्या करे है बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। और एक बघेल सरकार, घोटाले की बात बाद में करता हूं भाई, ये बघेल सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी, युवाओं आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया देना था, मिला है? जोर से बोलो मिला है। स्व सहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई, बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर। और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया। इसके साथ साथ हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदू पत्ता का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था, आज लगभग तेंदू पत्ता का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासियों का बकाया है। बघेल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इतने वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है। चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।